भिवंडी में है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भिवंडी में है। और आपको बता दें कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे थे, और ये भी हम कहेंगे कि शायद ये भीड़ टीवी चैनल पर ना दिखाया जाए, लेकिन एक जमीनी हकीकत ये है कि काफी संख्या में जो लोग हैं वो राहुल गांधी की इस यात्रा को समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। अब क्या ये जो भीड़ है मोदी जी के 400 पार के सामने टिक पाएगी? नाम क्या है? मेरा नाम नजाकत अली है। हाँ। मैं यूपी बिजनौर का रहने वाला हूँ और यात्रा में चल रहा हूँ जब से यूपी में आई है। हाँ। 400 पार का जो मोदी जी नारा दे रहे हैं ना, आप कह रहे टिक पाएंगे, उनकी तो पोल खुल चुकी। हाँ। जिसलिए कह रहे थे ना 400 पार आएंगे, उन्होंने कंपनियों से चंदा ले रखा था, चंदा चोर है। चंदा लेकर और जब जीत जाते ना वे 400 खरीदते। आपने देखा होगा हमारे देश में बकरी की मंडी, भेड़ की मंडी, ऊंट की मंडी, गाय की मंडी, भैंस की मंडी, तित्तर की मंडी, कबूतर की मंडी, कुत्ते की मंडी, बिल्ले की मंडी, और सब बाजारों में बिकते हैं। और जो लाता वो कहता है देखो मेरा कटरा बहुत बढ़िया, मेरा बकरा बहुत बढ़िया, मेरा ऊंट बहुत बढ़िया। इस देश में भारत सरकार ने जो चल रही है उनने एमपी एमएलओ की मंडी खोल दी है। कांग्रेस से अन्य पार्टी से विधायक एमपी जीत के जाते हैं और जानवरों की तरह उनकी मंडी लगती है और कीमत लगती है 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। और फिर उनसे भी मुझे ऐसा लगता है पूछा जाता होगा, जैसे हमारे हम जानवर खरीदने जाते हैं ये बहुत अच्छी नस्ल का है, ये ऐसी नस्ल का है, तो उनसे भी पूछा जाता होगा ये खानदानी दलाल है, ये पुश्तैनी दलाल है, ये नया दलाल है, ये अभी आया है मार्केट में जनता को धोखा देने के लिए, जनता ने इसको पार्टी के नाम पर बनाया था। मैं उन बेईमानों से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि नेशनल चैनल तो दिखाएंगे नहीं, वो सारे डरे हुए हैं, सारे चोर हैं। और मैं कह रहा हूँ गारंटी से, कौन लोग जो नेशनल चैनल है जो सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं, जो भीड़ है यहाँ ये किराए की नहीं है, ये चंदा चोरों की पैसे की नहीं है, ये ईमानदारी और मेहनत की है। आपने 400 पार का नारा दिया था, आपको पता चल जाएगा ऊपर वाले की लाठी में और जनता की लाठी में आवाज नहीं होती है मोदी जी। आपको दिक्कत इस बात से कि सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिल गया, इसलिए दिक्कत है? इसलिए दिक्कत नहीं, वो चंदा चोरी से लिया है। अगर सुप्रीमो कोर्ट इसको खुलासा ना करता, धन्यवाद करता हूँ सुप्रीमो कोर्ट का कि उसने खुलासा करते हैं कि चोरी सामने लाती है। ये सिर्फ तानाशाही और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और राजशाही इस देश में लाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ाना चाहते हैं, गीता को कुरान से लड़ाना चाहते हैं, मंदिर को मस्जिद से लड़ाना चाहते हैं, इंसानियत को इंसानियत से लड़ाना चाहते हैं, बाकी इनके पास कुछ और है नहीं है। माँ बहनों की इज्जत का ख्याल इनके पास नहीं, युवाओं के लिए नौकरी इनके पास नहीं, किसानों के लिए किसानों की फसल का दाम इनके पास नहीं। अगर कोई धरने प्रदर्शन भी करते हैं तो कहते हैं कि ये तो आतंकवादी खालिस्तानी है। कुछ लोग इनके साथ हैं, वो कौन से लोग हैं? वो ऐसे लोग साथ हैं जैसे दो एक आदमी के दो बीबी होती, तो एक बीबी ये चाहती कि मेरा पति मर जाए मगर मेरी सौतन विधवा हो जाए। इस तरह के लोग उनके साथ है कि हमारा चाहे कितना नुकसान। गारंटी राहुल गांधी दे रहे हैं ये चुनावी रेवड़ी तो नहीं है? रेवड़ी नहीं, कांग्रेस ने हमेशा जो कहा है वो कर दिखाया। 70 साल में लूटा है भाजपा वाले कहते, अब सुनते 70 साल में लूटा है उन बेईमानों ने, क्या बेचा है 70 साल में? जो लूटा था उसको ही तो बेचने का काम किया भारत सरकार ने। मैं यूं कहता हूं दोबारा और 70 साल नहीं 140 साल कांग्रेस आनी चाहिए, ऐसा देश ऐसी फिर दोबारा लूटमार बचानी चाहिए। जिस कांग्रेस ने लूटमार करने के बाद जिस देश में सुई नहीं बनती हो वहां जांच बनने लगे, जिस देश के अंदर तमाम कंप्यूटर की चीजें, तमाम टेक्नोलॉजी चीजें कांग्रेस के राज में आई है, कांग्रेस ने लूटने के बाद अगर इतना किया तो बहुत कुछ किया। इन बेईमानों ने लूटा भी नहीं और सारा बेचने का काम किया। इतना पैसा दिया है राहुल जी ने, इतना राहुल जी ने अपने खर्चे पर चल रहा हूं मैं, दलाल नहीं हूं मैं, इस देश की दलाली करने के लिए नहीं आया या भाजपा के पैसे लेकर नहीं आया। जिस दिन से बाबतपुर से यात्रा चली है चंदौली बॉर्डर से और आज तक अपने खर्चे पर चल रहा हूँ, आई समझ में बात? हम वो नहीं है कि जितनी चाबी भरी राम ने चल दिया खिलौना, हम दलाली करने वाले लोग नहीं है, हम जमीनी लोग हैं। हमारे बाप दादा ने इस देश को आजाद कराया था अपनी जान की कुर्बानी देकर, हमारे ही परिवार से वीर अब्दुल हमीद है। युवाओं को युवाओं से वादा कर रहे हैं, नारी से वादा कर रहे हैं कि हर नारी को प्रति वर्ष 1 लाख देंगे और 30 लाख जैसी उनकी सरकार बनेगी तो नौकरी देंगे, तो क्या समझा जाए चुनावी रेवड़ी है या बात? कौन कौन कर? राहुल जी कह रहे हैं। राहुल जी, अरे भाई बताया नहीं, पहले सरकार ने जो कहा किसानों का कर्जा माफी, महिलाओं का सम्मान, युवाओं का रोजगार, सारे काम किए नहीं किए? आप फिर दोबारा ये मीडिया वालों के अंदर यही तो कमी, हमसे सवाल पूछो जाएंगे उनके नहीं बताने के, उनकी क्या कमी? उनसे डर लगता है आपको? डर लगता है पैसे लेकर आए हो? मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब ना सवाल होगा कि सुनिए, वो तो भाग जाते हैं मोदी जी, तो भाग जाते हैं, आप तो रोक भी नहीं पाते उन्हें, भागे नहीं पहले।
जब एक बार कॉन्फ्रेंस हो रही थी भागे या नहीं भागे मोदी जी? हाँ या ना मजब आप तो 56 इंच वाले को आप कह रहे भाग जाएंगे? ऐसे 56 इंच के सीने का क्या करना है, तो 32 इंच का ही ठीक है जो कम से कम अपने देश के लिए लड़ तो रहा है। मोदी जी 56 इंच का सीना घर में लिए बैठे आप गुलामी कर रहे हैं, आप देश के 18 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे नहीं करते, वो तो 30 घंटे का झूठ बोलते हैं, जुमलों का झूठ। 18 घंटे काम करने वाला, अरे झूठ, झूठ से डरे देश के प्रधानमंत्री? एक संविधानिक पद पर हैं आप देश के संविधानिक पद पर हैं, वो 18 घंटे काम करते हैं, वो सिर्फ प्लानिंग करते हैं कि इस देश को कैसे बर्बाद किया जाए। आखिरी सवाल, भाजपा के एक नेता ने कहा है कि अगर 400 पार हुआ तो संविधान को बदल देंगे। जिस नेता ने यह कहा ना, पहले उसी के पिछवाड़े पर लठ बजेगा, उसको तो यही पता नहीं कि संविधान बदलने से होगा क्या। हम तो कल भी मेहनत कर रहे थे, कल को भी मेहनत करेंगे, हमारे बुजुर्गों ने भी मेहनत की, हमारे बच्चे भी मेहनत करेंगे। जिसने ये बात कही ना सिर्फ टिकट पाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, सबसे पहले उसके पिछवाड़े पर लट फिरेगा जब संविधान बदला जाएगा। ऐसे ऐसे गद्दारों को जो बोल रहे हैं ना चमन्नी चोर की तरह, इनका तो कहीं लेना देना भी नहीं होगा। एक कहावत हमारे यहाँ के, घोड़े के पैर में तनान लग रही थी, मींडकी ने पैर उठा दिया, उसने जो मारा हथौड़ा उसका दम निकल गया। तो ये वो मींडकी है कि बोलते हैं और जैसे ही दम निकल जाएगा। अब की बार कांग्रेस सरकार, 400 पार, कांग्रेस सरकार 400 पार, हम नहीं पता कितने आएंगे। कांग्रेस सरकार 400 पार तो आप कह रहे हैं, 400 पार अब नहीं, कांग्रेस सरकार और भाजपा फरार।